क्वेश्चन नंबर 11 में आपको वेक्टर फील्ड गिवन है और सी जो है दैट इज सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन द एक्स वाई प्लेन। काउंटर क्लॉक वाइज ऑरियंटेशन है, हमारे पास फार्मूला ये वाला गिवन है, ठीक है, ये स्टोक्स थ्योरम का फार्मूला होगा। इसमें क्योंकि एक्स वाई प्लेन है तो सी इक्वेशन जेड इज इक्वल टू जीरो होती है, ठीक है, और गिवन हमारे जो चीज है वो है सर्कल, तो हमारे पास जो आर होगा जिसमें हमने एक्स और वाई की लिमिट फाइंड करनी है वो उसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। हमने आगे जाके इसको पोलर में कन्वर्ट करना है तो ये क्या है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मीन आर इज इक्वल टू ए, तो हमारा आर जीरो से ए इसकी लिमिट होगी और चूंकि ये सर्कल है तो सर्कल में थीटा क्या होगा जीरो से टू पाई। तो सबसे पहले जेड गिवन है, हमने फॉर्मूले में पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स निकालना है विच इज जीरो, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई निकालना है विच शुड बी जीरो, कर्ल ऑफ एफ निकालना है तो एफ हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दिए फॉर्मूले के अंदर। अब हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करते हुए आई के लिए हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट, इसी तरह फिर जे के लिए सेकेंड कॉलम को हम इग्नोर कर देते हैं और डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, और के लिए जो हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करते हुए डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। अब इसमें जो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है वो कर दें, जेड माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो जीरो आता है, वाई माइनस जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड करते हैं तो माइनस वन आता है, जेड माइनस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो माइनस वन, एक्स माइनस वाई को विद रिस्पेक्ट टू जेड किया तो जीरो, इसी तरह वाई माइनस जेड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो हमारे पास जीरो आएगा और एक्स माइनस वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो माइनस। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस बन जाते हैं, इसीलिए हमारे पास आई प्लस जे और प्लस के कर्ल बन जाता है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज है, कर्ल की भी वैल्यू है, पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स की भी है और वाई की भी है, तो वो हम सब्सिट्यूट कर देते हैं कर्ल की जगह उसकी वैल्यू, कर्ल ऑफ एफ की जगह और पार्शियल बाय जेड बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई की वैल्यू बुक कर दी। डॉट प्रोडक्ट में करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होते तो आई आई के साथ, जे जे के साथ और के साथ, आई और जे तो जीरो हो जाते हैं, बस सिर्फ के बच जाता है, दैट मीन्स के डॉट के इज वन, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई इज वन और इसी तरह जे डॉट जे के डॉट के देयर वन। अब हमने लिमिट्स का मैंने भी ऊपर जिक्र किया कि क्योंकि आर इज इक्वल टू जीरो टू ए और क्योंकि सर्कल है तो फ्रॉम जीरो टू टू पाई थीटा का हो जाएगा और डी हमारे पास आ जाता है आर डी आर डी थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब हम इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है वन आता है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, तो पावर रूल में हम कहते हैं कि हम पावर में वन ऐड कर देते हैं और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो आर की पावर वन है उसमें वन ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइड बाय टू कर देंगे तो ये बन जाता है वन ओवर टू आर स्क्वायर। लिमिट है ए से ले जीरो से लेकर ए, तो एक दफा ए पुट करें एक दफा जीरो पुट करें आर स्क्वायर के अंदर, हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है वन ओवर टू ए स्क्वायर माइनस जीरो। अब वन ओवर टू ए स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, ए स्क्वायर बाय टू आ जाएगा और बाहर अंदर क्या रह जाता है वन डी एक्स, सॉरी ये होगा डी थीटा नॉट डी एक्स। अब डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ थीटा आ जाएगा और लिमिट जीरो से टू पाई है, लिमिट पुट कर दें टू पाई माइनस जीरो, टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा पाई ए स्क्वायर।